बहाली किया जाए या तो हमें आत्मदाह करने की इजाजत दिया जाए। 5 अप्रैल को प्राथमिकता के आधार पर उस मामले में भी हम लोगों के आईए पर विचार करने का फैसला किया। शिक्षा विभाग हमको बोली कि 2 दिन में आप लोगों का शेड्यूल जारी होने वाला है और ये न एजी को भेजते हैं न इनका कार्यकलाप, हम लोग तो डेली सचिवालय आते हैं, इतना लापरवाह इनका अधिकारी है कि कोई बात नहीं सुनते हम लोगों का। नमस्कार, मैं नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। राज्य में 94,000 शिक्षकों के पदों पर बहाली की जो प्रक्रिया है वो अटक गई है। 94,000 शिक्षकों को बहाल करना है बिहार सरकार को, लेकिन ऐसे में हाईकोर्ट ने कहीं ना कहीं मामले को अटका दिया है। हाईकोर्ट में मामला जो है वो फिलहाल लंबित चल रहा है। ऐसे में आज जितने शिक्षक अभ्यर्थी थे जिन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा पास कर ली है, जो कह रहे हैं कि हमें नौकरी क्यों नहीं दे रहा शिक्षा विभाग, आज वो शिक्षा विभाग पहुँच गए। तस्वीर देखिए किस तरीके से शिक्षा विभाग के दरवाजे तक वो पहुंच गए और जम करके हंगामा किया है। क्या कुछ कह रहे थे आप सुनिए, इनके बातों से आप बखूबी समझ जाएंगे कि किस तरीके से इनकी नाराजगी जो है वो शिक्षकों की बहाली रुक जाने के कारण हुई है। अधिकारी के पास जाता है तो सब भकुआ था, 5 साल हो गया शिक्षक बहाली जो है 2 साल से अटकी हुई है। आंदोलन हुआ था पटना के गर्दनी बाग में, शिक्षा विभाग हमको बोली कि 2 दिन में आप लोगों का शेड्यूल जारी होने वाला है और ये न एजी को भेजते हैं न इनका कार्यकलाप, हम लोग तो डेली सचिवालय आते हैं, इतना लापरवाह इनका अधिकारी है कि कोई बात नहीं सुनते हम लोगों का। क्यों हम यात्रा सहेंगे, हम यहाँ के युवा सब जब भी कुछ भी आता है हमेशा धमकाया जाता है, हमेशा धमकाया जाता है, अभी भी एक बोला दूसरे को धमका दिया, डरा के कब तक डराते रहेंगे। तो आपने इनकी बातों को सुना है, ये साफ साफ कह रहे हैं कि शिक्षकों की बहाली जो रुक गई है, ऐसे में उन्हें आत्मदाह करने की इजाजत कम से कम सरकार दे दे ताकि वो इस झंझट से मुक्त हो जाए। ऐसे में जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनका ये गुस्सा सर पर चढ़ा हुआ है। ऐसे में शिक्षा मंत्री बिहार सरकार के विजय चौधरी क्या कुछ कह रहे थे इस मुद्दे को लेकर, जरा सुनिए। कि हम लोग सरकार की तरफ से पूरी मुस्तैदी से लगे और मुस्तैदी का आलम ये है कि कोर्ट से हम लोगों ने कहा है कि भाई आपका जो जो डायरेक्शन है, और ये भी अच्छी बात है कि वो जो कह रहे हैं या कोर्ट ने जिस बिंदु पर विचार करने के लिए मामले को अपने यहाँ एडमिट किया है और आगे की कार्रवाई स्थगित की है, उन सब मामलों में या उन सब बिंदुओं पर हम लोग सरकार खुद वही करना चाह रही है जो कोर्ट की मंशा है, इसलिए उसमें भी कोई ऐसी बात नहीं है कि कोर्ट का कहना कुछ और है या हम लोग सरकार के तरफ से कोर्ट जो कह रही है उसको नहीं मानना चाह रहे हैं। हम लोग सिर्फ कोर्ट की इजाजत चाह रहे हैं और उस मामले में भी हम लोगों ने जो आईए कहते हैं जल्दी सुनवाई के लिए जो इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन फाइल किया जाता है वो हम लोगों ने विभाग की तरफ से दाखिल किया है और उसकी मेंशनिंग भी हमने कर दी है। और अच्छी मैंने अच्छा डेवलपमेंट ये है कि माननीय न्यायाधीश लोगों ने उस पर अमल करते हुए या उसका संज्ञान लेते हुए 5 अप्रैल को प्राथमिकता के आधार पर उस मामले में भी हम लोगों के आईए पर विचार करने का फैसला किया है। और हम उम्मीद करते हैं कि अगर सभी कुछ अनुकूल रहा या कोई ऐसा अनफोर्सीन रीजन नहीं आया तो 5 तारीख को जो माननीय न्यायालय में इस बात पर विचार होगा उसमें हम पूरे आशावान हैं कि उस मामले में भी हम आगे बढ़ पाने की स्थिति में आ जाएं। तो आपने इनकी बातों को भी सुना है। देखने वाली बात यह है कि शिक्षक बहाली की जो प्रक्रिया है फिलहाल बिहार में रुक सी गई है। हाईकोर्ट कब तक
मामले को निपटाता है और कब शिक्षकों की जो बहाली है वो शुरू हो पाती है, फिलहाल कह पाना मुश्किल है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।